नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंस, हमारे खास एपिसोड फोटोशॉप की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अपने फोटोशॉप पर आप एक बेहतर डिजाइन का विजिटिंग कार्ड कैसे डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि अपने फोटोशॉप पर एक बेहतर सा खूबसूरत सा विजिटिंग कार्ड को कैसे डिजाइन करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंस को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर से जरूर किया करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और हम इस तरीके के लिए आपकी मेहनत जो है हम आपके लिए मेहनत करते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि आप अपने फोटोशॉप पर अपना विजिटिंग कार्ड को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूँ आपको कि अपना विजिटिंग कार्ड आप फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले ओपन कर लेंगे अपना फोटोशॉप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम अपना फोटोशॉप ओपन कर रहे हैं, और आप भी जल्दी से अपना फोटोशॉप ओपन कर लीजिए और उसके बाद हमें फॉलो करते जाइए। अब दोस्तों फोटोशॉप ओपन हो चुका है और अब हम लोग ओपन करेंगे एक न्यू फाइल। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है, फाइल पर जाने के बाद हम यहाँ पर न्यू पर क्रिएट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। हम कंट्रोल एन प्रेस करके भी न्यू फाइल के लिए हम एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और जिसके बाद हम यहाँ पर अपना फाइल साइज देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है नेम, तो यहाँ पर अपना नेम दे सकते हैं। तो जिस नाम से आपको बनाना है आप वो नाम दे सकते हैं, और उसके बाद जो है अपना कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नाम देने के बाद अपना प्रीसेट है, जो कि पेज के साइज यहाँ पर दिए होते हैं और किस फॉर्मेट पे चाहिए वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना इस प्रीसेट से ना यूज़ करके यहाँ पर हम लोग अपना खुद का डिज़ाइन साइज लेंगे। तो उसके बाद जो है करना क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है विड्थ, और विड्थ हम लोग जो यहाँ पर मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर इंचेस यहाँ पर दी हुई है, मिलीमीटर में दी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे मिलीमीटर, और यहाँ पर देंगे हम लोग 88, और नीचे हाइट जो है वो हम देंगे यहाँ पर 55। यहाँ पर रेजुलेशन की बात की दोस्तों, रेजुलेशन हम जो लोग 300 रखेंगे, और बाकी कलर जो मोड है वो हम RGB ही रखेंगे, बाकी किसी चीज़ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बैकग्राउंड हम उसको वाइट ही रखेंगे, और उसके बाद हम ओके कर देंगे। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आ चुका है, और जो कि अब इस पर ही हम अपना विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये टूल बार है, और टूल बार में यहाँ पर है पेन टूल। इस पेन टूल की मदद से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा डिजाइनिंगदार विजिटिंग कार्ड नहीं बनाने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल सा विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम फिर से यहाँ दूसरा क्लिक करेंगे ताकि आपकी जो लाइनिंग है वो एकदम सीधी हो। और उसके बाद फिर हम शिफ्ट प्रेस करते ही हम यहाँ पर पूरा स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे, और उसके बाद जो है इसको हम जोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमारा स्क्वायर बॉक्स बन चुका है, और अब हम लोग यहीं पर राइट क्लिक करेंगे टूल पर, और यहाँ पर दिया हुआ ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसको हम क्लिक करेंगे, और अब हम इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक कर्व वाला एंकर पॉइंट आ जाएगा, और इस पे जहाँ पर क्लिक करेंगे इस लाइन पर, और यहाँ पर हम थोड़ा सा कर्व ले लेते हैं, और उसके बाद जो है एक एंकर पॉइंट यहाँ पर क्लिक करके बना लेते हैं, और इसके हल्का सा इसको हम यहाँ पर कर्व कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ये कर्व हो चुका है, और अब हम लोग फिर से इस पेन टूल पर आएंगे, और यहीं इस वाले सिलेक्शन वाले एरिया पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है मेक सिलेक्शन, तो इस मेक सिलेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जीरो रेडियस पर हम इसको जो फेदर है हमारा जीरो रेडियस का होगा, और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन एक हो चुका है। अब इस सिलेक्शन में हम लोग थोड़ा सा कलर फिल कर लेंगे। तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पर से हम फिर देख रहे हैं कि एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा राइट साइड में जो है न्यू लेयर क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर से हम लोग एक कलर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कलर वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रे कलर का यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद हम ओके कर लेंगे। और अब हम लोग इस फोटो जो पेंट बकेट है दोस्तों, इस पेंट बकेट पर क्लिक करके यहाँ पर हम कलर को फिल कर लेंगे। अब आपके सामने कलर फिल हो चुका है, और अब हम इस कलर को फिल कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस मूव टूल पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके हमने इस कॉर्नर वाले बॉक्स को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमने कर लिया है कि जो भी हमारे साइड हो वो वाइट ना रह जाए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा हो चुका है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद हम फिर इमेज पर जाएंगे और इसे क्रॉप कर लेंगे।
अब दोस्तों आप कुछ कुछ ऐसा हो चुका है, अब आप देख रहे हैं कि हमारा ऐसा बैकग्राउंड बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों दूसरा कलर के लिए हम फिर से यहाँ पर करेंगे स्मूथ टूल पर जाएंगे और यहाँ पर इस लेयर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ऑल्ट प्रेस करने के बाद हम इसको एक बार नीचे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारी यहाँ पर दो लेयर बन चुकी हैं और इस लेयर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्शन के लिए आपको इस मैजिक वैंड टूल का यूज करना होगा और ऊपर वाली लेयर पर आप सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो दूसरी लेयर है वो सेलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर से अब हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसको फिल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा कलर फिल हो चुका है। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे, आपका दूसरा कलर भी फिल हो चुका होगा। और अब आपको करना क्या है, इस मूव टूल पर क्लिक करके जितना भी आपको यहाँ कम ज़्यादा करना है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसको आप जो है कंट्रोल टी करके हम थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर करेंगे और ताकि जो बॉर्डर हमारा है वो अच्छा बन सके। और अब आप देख रहे हैं कुछ इतना हमारा बॉर्डर बन चुका है। और अब हम लोग एक तरीका और बता दें कलर फिल करने का, आपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे आपका मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद इस बैकग्राउंड वाले लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर साइड में जो देखेंगे राइट कलर पे राइट साइड में, तो यहाँ पर दिए हुए हैं स्टाइल और इस स्टाइल के हिसाब से भी आप इस लेयर को बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से, आप जैसा क्लिक करेंगे उस टाइप से आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है वो आपकी बनती जा रही है। तो इस तरीके से आप दोस्तों कैसा भी आप करके बना सकते हैं अपने इस लेयर को और जिस तरीके से आप अपना बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इस स्टाइल को ले लिया है और अब हम इसी स्टाइल पर यहाँ पर बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कैसा हमारा स्टाइल हो चुका है और अब हमको करना क्या है, दूसरा चीज़ यहाँ पर लेते हैं और जो भी चीज़ आप दे सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे हम। और टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमने यहाँ पर इस टेक्स्ट टूल का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर चलिए अपना टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं जो भी चीज़ हम लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले अपना नाम ही टाइप कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अपना नाम टाइप कर लिया है और इसको हम ऑल्ट प्रेस करके इस लेयर को दूसरी बना ले रहे हैं और उसके बाद जो है हम यहां पर अपना डेजिग्नेशन टाइप कर ले रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों अब देख रहे हैं कि इसको हम इस फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि डेजिग्नेशन हम थोड़ा सा छोटा हम रख लेंगे और उसके बाद जो है इसका कलर वगैरह जो भी चेंज करना आप कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह जो भी चेंज करना कर सकते हैं। इस पट्टी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कई सारे फॉन्ट की लिस्ट आ जाएगी, जो भी फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं आप इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप इसका यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया है दूसरा, और ऊपर वाला फॉन्ट जो हमारा है नाम वाला वो हमने थोड़ा सा बोल्ड रखा हुआ है और ताकि अच्छा लगे दिखने में। और जो कलर आप लेना चाहते हैं इस फॉन्ट का आप उस फॉन्ट को भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस कलर का अपना लिया हुआ है और नीचे वाला जो हमारा लेयर है और इसको भी थोड़ा सा कलर हम चेंज कर ले रहे हैं। तो कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका नाम हो चुका है। अब दोस्तों इस नाम को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ पर भी रखना चाहते हैं, जिस जगह पर रखना चाहते हैं अपना नाम इस जगह पर रख सकते हैं। और चलिए नीचे की तरफ हम जो है एक लिस्ट बना लेते हैं कि आप किस बारे में अपना क्या काम है, वो चीज़ क्या दिखाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे अपने काम की लिस्ट
तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने काम की लिस्ट बना ली है और इसको हम यहाँ पर फॉन्ट चेंज करके कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, और उसके बाद जो है जो भी आपको अच्छा लगे इस फॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपके हिसाब से सही रहे। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम बुलेट दे देंगे जो भी, और इसका कलर वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग इसको फुल ब्लैक कर ले रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लेयर हम और क्रिएट करेंगे, और लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम लोग लेंगे सर्कल, ताकि हम अपने बुलेट्स को यहाँ पर बना सकें। और उसके बाद दोस्तों इसको हम यहाँ कट कर ले रहे हैं, और उसके बाद यहीं पर हम फिर से पेस्ट कर लेंगे अपने बुलेट को। और इस बुलेट को हमने पेस्ट कर लिया है, और उसके बाद जो है इसी को हम यहाँ पर सेट कर देंगे, और ऑल्ट प्रेस करने के बाद हम ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम इसको हम माउस से ड्रैग करेंगे, और जितने चाहेंगे उतने बुलेट हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसी स्टेप से हमारा बुलेट तैयार हो चुके हैं, और अब हम इन सभी को चाहे तो ग्रुप कर लीजिए, और इसको कहीं से भी अपना सेट कर सकते हैं ग्रुप करने के बाद। अब दोस्तों करना क्या है इसके बाद, यहां पर हम एड्रेस वगैरह भी टाइप कर लेंगे। तो जो भी एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, आप यहां पर दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अपना पिन कोड वगैरह दे सकते हैं। अब दोस्तों ये आपका कुछ इस टाइप से हो चुका है, और अगर आप चाहें तो मोबाइल नंबर वगैरह भी यहीं पर दे सकते हैं। तो इसी लेयर को हमने आप कॉपी कर लिया है, और इसी लेयर पे हम लोग मोबाइल नंबर अपना टाइप कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आप मोबाइल नंबर में टाइप कर लिया है, और इसको हम मोबाइल नंबर को बड़ा कर लेंगे, और यहीं पर आप चाहें तो फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, इस मोबाइल नंबर का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है, और उसके बाद जो है इस फॉन्ट को भी हमने चेंज कर दिया है, और अलग कर दिखने के लिए फॉन्ट चेंज करने के साथ साथ इसको बोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपना QR कोड भी दे सकते हैं, और QR कोड जहां पर भी आपका हो वो दे सकते हैं, अपनी कंपनी का QR कोड दे सकते हैं। और जिनको QR कोड बनाना नहीं आता दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैसे बनेगा QR कोड। तो यहां पर आप गूगल ओपन कर लीजिएगा, और गूगल ओपन करने के बाद जो है आप यहां पर लिखेंगे QR कोड जनरेटर, और उसके बाद दोस्तों जो भी यहाँ कई सारे आपके ऑनलाइन साइट्स आ जाएंगी, जिसको आप ओपन कर लीजिएगा, और जो भी आपका URL हो यहाँ पर आप पेस्ट कर कॉपी कर लीजिएगा, और उसके बाद इस URL को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, और आपके सामने ये QR आपका
जनरेट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ डाउनलोड और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर फाइल का नाम डाल दीजिएगा, तो जिस नाम से आपकी फाइल हो, और उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जहाँ पर भी आपका सेव होगा QR कोड, इसको आप यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा और इसको ही आप जो है फोटोशॉप पे ला करके ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से कंट्रोल A प्रेस करिएगा, कंट्रोल C प्रेस करिएगा और अपनी फाइल पर जाइएगा। फाइल पर जाने के बाद जो है आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल T प्रेस करिएगा और यहाँ से ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करिएगा। यह आपका छोटा हो जाएगा, जैसा ड्रैग करें जितना छोटा करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। जहाँ पर भी इसको सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। और तो जैसा भी आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आपको कुछ टाइप कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है और इसका फॉन्ट वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसका जो कलर है वो भी हम चेंज कर ले रहे हैं ताकि साफ साफ दिखे, और उसके बाद यहीं पर हम इसको सेट कर देंगे। दोस्तों ये पता चल गया है कि ये किस चीज़ का QR कोड है और यहाँ पर आपका क्या चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी चीज़ टाइप हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा नाम अपना जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि साफ साफ दिखे नाम और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों कुछ इस टाइप से आपका बन चुका है और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे हम कर लेंगे दोनों को और ऊपर हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर नाम और डिजाइनेशन भी अपना हम नीचे की तरफ थोड़ा सा ले लेंगे ताकि अगर ऊपर भी कोई डिज़ाइन करना चाहे तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इस टाइप से आपका बन चुका है ये कार्ड। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना विजिटिंग कार्ड का जो लोगो है, अपनी कंपनी का लोगो, वो भी आप लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपका लोगो हो आप उस लोगो को आप अपना ले लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लोगो ओपन कर लिया। यहाँ कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, फाइल पे गए, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, आपका लोगो ये बनकर यहाँ पेस्ट हो चुका होगा। इसको हम ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको हम ड्रैग करेंगे ताकि आप आराम से छोटा हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको ऑटो शिफ्ट के साथ छोटा कर दिया हमने और इसको यहाँ पर हमने सेट कर दिया है और कुछ इस टाइप से आपका दिखने लगे है। और अब हम थोड़ा सा ऊपर सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पर इस ब्रश टूल का यूज़ करेंगे और ब्रश टूल का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से ब्रश कर देंगे। और दूसरा जो है हम यहाँ पर इस कलर को ले रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका यूज़ कर ले रहे हैं। अब दोस्तों कुछ हमारा बॉर्डर भी तैयार हो चुका है और अब आप देख रहे हैं कुछ हमारा सिंपल सा विजिटिंग कार्ड बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद इसको हम सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद जो है इसको यहाँ JPG सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पर भी आपको सेव करना है सेव कर लीजिएगा। और यहाँ फुल रखिएगा, मैक्सिमम रखिएगा, इसको यहाँ से मैक्सिमम कर लीजिएगा। उसके बाद जो है क्वालिटी मैक्सिमम हो जाने के बाद ओके कर दीजिएगा। अब आपका विजिटिंग कार्ड कुछ बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप से आपका विजिटिंग कार्ड दिखेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कुछ नया जाना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। जल्दी से नीचे लाइक वाले बटन दबा करके इसे लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए तो यह देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल वाले बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंड को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में आएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। दोस्तों इसे अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसे ओपन करके आप हमें फॉलो जरूर जरूर कर लें ताकि आप हमारे एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।